नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि स्कूटनी का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, आप यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपका नंबर किसी भी सब्जेक्ट में कम आया है तो आप स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करके जो है आप अपना सब्जेक्ट में जो है नंबर बढ़वा सकते हैं। तो आप किस तरह से जो है अपना स्कूटनी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने मोबाइल से ही फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में डाल देना है UPMSP। आपको इतना डाल के सर्च पे प्रेस कर देना है और आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा UPMSP। आप जैसा कि फर्स्ट वाले वेबसाइट पर जैसे ओपन करते हैं तो ये वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, UPMSP यहाँ पर लिखा होगा तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। तो आप UPMSP पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है स्कूटनी का लिंक जो है जारी कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट ऑनलाइन फिलअप करने का कब तक है। मैं आप किस तरह से जो है अपना स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2023 यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर ब्रेकेट में स्कूटनी लिखा ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक खोलें, तो आपको सिंपली लिंक खोले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम तिथि यहाँ पर लिखा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 मई 2023 को जो है 19/5/2023 यहाँ पर लिखा होगा। तो जो है 19 मई 2023 तक का जो है इसका लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपको जो है स्कूटनी का फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में जो है अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो आपको 19 मई से पहले ही जो है अपना स्कूटनी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नोट में ट्रेजरी चलान फॉर्म डाउनलोड करें, तो आपको सिंपली इसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है कुछ इस तरह का डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक का पूरा डिटेल फिलअप कर लेना है, पर आप देख सकते हैं लिखा होगा बैंक का नाम हुआ, शाखा, IFSC कोड, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा होगा, आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको अपने विद्यालय में चले जाना है और अपने प्रधानाध्यापक से बोलना है कि सर जो है मैं जो है स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करना चाहता हूं, मैं जो है एक सब्जेक्ट में अपना नंबर जो है बढ़ाना चाहता हूं, मुझे कम मिला है, मार्क कम मिला है, तो वो जो है आपका ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। आप जितने भी सब्जेक्ट में जो है अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं आपको एक सब्जेक्ट प्रति जो है आपको 500 रुपये का चालान देना होगा, तो ये चालान फॉर्म ही है। तो आपको इस फॉर्म में जो है अपना पूरा डिटेल जो है फिलअप करवा लेना है और जो है आप अपने बैंक में चले जाना है और अपने बैंक में जा करके जो है अपना 500 रुपये का चालान करवा लेना है। और चालान करवाने के बाद में फिर से आपको इसी वेबसाइट पे आना है और आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन शो किया रहा है, हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। तो आप जिस भी क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं स्कूटनी का फॉर्म, तो आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। जैसे तो आपको क्या करना होगा, अगर आप हाई स्कूल का करना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल पे क्लिक करना है और अगर आप इंटरमीडिएट का करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं आपको हाई स्कूल का करके दिखा देता हूँ, आप उसी तरह से जो है इंटरमीडिएट का भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस दोनों का ही है। तो आपको सिंपली हाई स्कूल के लिए इस पे क्लिक करना है और आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अगला डिटेल कुछ इस तरह का देख सकते हैं, खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना है, अपना रोल नंबर डाल देना है और उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के आप सिंपली गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। तो आप गेट डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता जी का नाम, आपका स्कूल कोड, यहाँ पर पूरा डिटेल शो होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, थोड़ा नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पूरा सब्जेक्ट शो होके आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, साइंस, सोशल साइंस, यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्ट शो होके आ रहा है और यहाँ पर थ्योरी, प्रैक्टिकल दोनों शो होके आ रहा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका किस सब्जेक्ट में जो है आपका नंबर कम आया है, जैसा कि आपका इंग्लिश में कम आया है या मैथ में कम आया है या साइंस में कम आया है। मान लीजिए आपका नंबर जो है मैथ में कम आया है तो आपको मैथ पे क्लिक करना है, इस पर टिक लगा देना है। तो आप यहाँ पर जैसे टिक लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपया लिख के आ जाएगा आपका जो है संनिरीक्षण शुल्क, जो है यहाँ पर 500 रुपया शो के आ जाएगा। अब जो है आप बैंक में जाकर के जो है अपना 500 रुपया चालान तो कर ही दिए होंगे, तो आपको एक स्लिप मिली होगी, तो आपको उस स्लिप को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा जमा की गई धनराशि, आप जितना भी जमा किए होंगे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि 500 जमा किए तो आपको 500 रुपया यहाँ पर फिल कर देना है
और उसके बाद में उस स्लिप में जो है एक चालान संख्या लिखा होगा, तो आपको चालान संख्या सिंपली यहाँ पर एंटर करना है। और चालान संख्या को एंटर करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि, आप किस डेट में जो है अपना चालान जमा किए हैं, आपको यहाँ पर अपना डेट एंटर करना है। और डेट को एंटर करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा ट्रेजरी या बैंक का नाम जहाँ शुल्क जमा किया गया है, आप जिस बैंक में जो है अपना शुल्क जमा किए हैं, आप जिस जो है ट्रेजरी में अपना जो है शुल्क जमा किया है, आपको यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने बैंक का नाम एंटर करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना चालान का जो है स्कैन करके आपको एक कॉपी अपलोड कर देना, जैसा कि आप जो भी अपने बैंक में चालान जमा किया है उस स्लिप को जो है स्कैन करके अपने मोबाइल में जो है स्क्रीनशॉट करके आपको यहाँ से चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देना है। और वो फाइल जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर लिखा होगा 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको उसके बीच में ही अपना स्लिप जो है करके आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है चालान का। और इतना करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन, तो आपको सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आप सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्क्रूटनी का फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक स्लिप मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि स्क्रूटनी का फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन फिलअप किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।